क्या कहूँ मैं इस मूवी के बारे में दोस्तों, इस मूवी का जो कॉमेडी लेवल है ना वो आपको ठीक ठाक मिलेगा सिर्फ 20 से 30 मिनट्स तक बस, उसके बाद में जो कॉमेडी लेवल है आपको बिल्कुल डाउन होता हुआ दिखाई देगा। इससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग मूवी है कंजूस पने के ऊपर वो मैंने कुछ दिन पहले एक पंजाबी मूवी का रिव्यू किया था जिसका नाम था कंजूस मजनू खर्चीली लैला, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, उसके अंदर ठीक ठाक कॉमेडी देखने को आपको मिल जाएगी और आपको मजा भी आएगा उस मूवी के अंदर। वेल रही बात इस मूवी की कंजूस मक्खी चूस, ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली मूवी है जो लगभग 2 घंटे की है। क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। अरे दोस्तों मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मूवी रेट में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक्टिंग की। दोस्तों इस मूवी के अंदर जो आपको नजर आएंगे लीड रोल में कुणाल खेमू एज जमुना प्रसाद पांडे, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है दोस्तों, लेकिन उस हद तक आपको एंटरटेन नहीं मिलने वाला इस मूवी से। मतलब आपको बहुत सी जगह ऐसी लगेंगी जहां पर आपको जबरदस्ती की कॉमेडी दिखाई देगी, लेकिन उतना ज्यादा आपको मजा नहीं आने वाला इस मूवी के अंदर। बस हाँ मैं ये कहूंगा कि कुणाल खेमू ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के जरिए, उन्होंने काफी कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है इस मूवी के जरिए, आप उनकी एक्टिंग देख के थोड़ा बहुत तो इस मूवी से कनेक्ट हो जाओगे। और रही बात बाकी जितने भी सपोर्टिंग कलाकार की, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है इस मूवी के अंदर। तो अब बात करते हैं मूवी की कहानी की। दोस्तों मूवी की कहानी फोकस करती है एक जमुना प्रसाद पांडे नाम के बंदे पे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कंजूस आदमी होता है, पाई पाई का हिसाब रखता है और हर चीज में से पैसा बचाता है। अब आगे जाके क्या होता है कि वो अपने माँ बाप को हिमालय भेज देता है भगवान के दर्शन करने के लिए। बस उसी के बाद में इसकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आता है जिससे इसकी जिंदगी के अंदर तूफान मच जाता है, यानी कि इसको बहुत सी चीजों को सामना करना पड़ता है जो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखना यह है कि ये बंदा कितना ज्यादा कंजूस है और कैसे कैसे चीजें करता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इसने हिमालय भेजा है अपने माँ बाप को दर्शन के लिए वो किस वजह से भेजा है, क्या कारण था इसके पीछे, और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी, और इसकी जिंदगी में क्या तूफान आता है, ये सारी चीजें आपको मूवी देखने के बाद पता चलेंगी। तो दोस्तों देखो अगर मैं बात करूं मूवी के फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ के 20 मिनट्स तक आपको थोड़ा बहुत मजा आएगा, यानी कि आपको कुणाल खेमू की एक्टिंग देख के काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा जो उसने कंजूसपना दिखाया है मूवी के अंदर। लेकिन 20 मिनट जैसे ही आगे मूवी पहुंचती है, मूवी का जो एंटरटेनिंग लेवल है वो डाउन होता जाता है, यानी कि आगे आपको मूवी देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको उस लेवल की कॉमेडी नहीं मिलेगी और मूवी की कहानी कहीं से कहीं पहुंच जाती है, यानी कि कंजूस होता है वो बंदा, और एक कंजूस से मूवी कब आगे दूसरी कहानी में कन्वर्ट हो जाती है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और मूवी जैसे ही अपने सेकंड हाफ में आती है उसमें आपको ट्विस्ट दिखाई देंगे, और लास्ट के जो 20 मिनट्स होने वाले वो काफी ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं, और इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको पसंद आएगा। दोस्तों ये मूवी एक मैसेज देने की भी कोशिश करती है जो मुझे अच्छा लगा, कि भाई बहुत से जो पॉलिटिशियन होते हैं वो किस तरीके से घोटाले करते हैं और क्या क्या करते हैं, जब आप ये सीन देखोगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस मूवी को देखने में, यानी कि इसका सेकंड हाफ जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, आपको एंगेजिंग लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर कुछ ऐसे सीन दिखाई देंगे आपको जहां पर आप बहुत ज्यादा बोरिंग फील करोगे। मूवी का म्यूजिक आपको पसंद आएगा, और स्क्रिप्ट मूवी की काफी ज्यादा कमाल की हो सकती थी लेकिन मुझे उस हद तक पसंद नहीं आई, यानी कि इस मूवी के अंदर जो कंजूसपना दिखाया गया है मुझे लगा था कि पूरी मूवी के अंदर वो चीज दिखाई जाएगी और उसको लेकर ठीक ठाक आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी मूवी के अंदर ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यानी कि मूवी की जो कहानी है वो आपको इतनी ज्यादा दमदार नहीं लगेगी, लेकिन लास्ट के जो 20 मिनट्स है उसमें आप जरूर भावुक हो जाओगे इस मूवी को देखने के दौरान। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा दोस्तों आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो, ये एक बिलो एवरेज मूवी है, मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5 out of 10। तो दोस्तों आप जब ये मूवी देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।